हाय, दिस इज जुनेद एंड आई एम नोन एज द लेदर डूड। मुझे बच्चों को लेदर से प्यार कराना है। कराची आर्ट काउंसिल में सीखो सिखाओ पाकिस्तान के उन्वान से फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल में बच्चों को रोजमर्रा की अशिया के मुख्तलिफ इस्तेमाल को बताने के लिए लेदर गुड्स का स्टॉल भी मौजूद था। अर्ली चाइल्डहुड में अगर बच्चों को पता चल जाए कि ये मटेरियल ऐसा दिखता है तो बड़े हो गए फिर उनको पता होगा कि आर्टिफिशियल चीज़ क्या होती है और रियल चीज़ क्या होती है। So, the leather dude with leather here is Islamabad. मेरा टारगेट है 2024 का कि 1,00,000 बच्चों को हमने लेदर डिजाइनर्स और आर्टिज़न बनाना। तो ये जो वीडियोस आपने अभी देखी हैं और इस वीडियो में आपने देखा होगा बच्चे कितनी खुशी से लेदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरी हिम्मत बढ़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि 4,000 बच्चे अगर हमने कर लिए हैं तो हम 1,00,000 बच्चों तक भी बड़ी आसानी से इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो मैं बच्चों में से किसी एक बच्चे का आपको पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि वो लेदर के बारे में क्या सोचता है। ये एक 5 क्लास के बच्चे की बात है और वो ये कहता है अनदर फैक्टर दैट मेक्स लेदर सच अ फेवरेबल मटीरियल इज बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू बी मोल्ड इनटू अ न्यू शेप। इट कैन बी मेड टू ईदर स्टिफन और कैन बी मेड टू बी फ्लेक्सिबल एंड विल रिटेन इट्स न्यू शेप एज इट इज रिक्वायर्ड। ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर कैसे आई, वो हैंड्स ऑन प्ले की वजह से आई, वो एक्सपीरियंस उन्होंने किया लेदर का जो हम करवाना चाहते थे और आगे भी 1,00,000 बच्चों को हम करवाना चाहते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये काम हम कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है भाई। लेदर का ना गेम बदलना है, बस सवाल ये है ना कि करेंगे कैसे। कर रहे हैं और देखते जाओ और कैसे करते हैं मजीद।